पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लगातार धनबल और शराब का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के चलते बुलंदशहर पुलिस ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली 578 पेटी अंग्रेजी शराब की चेकिंग के दौरान पकड़ ली। पुलिस ने दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर मिट्टी के डंपर में शटरिंग की आड़ में शराब को छिपाकर ले जा रहे थे। बुलंदशहर में कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात चेकिंग के दौरान शिकारपुर बाईपास शनिदेव मंदिर के पास मिट्टी के डंपर को रोका तो पुलिस चकित रह गई, लेकिन चेकिंग में पता चला कि इसमें अवैध रूप से शराब हरियाणा से लाकर तस्करी की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि ये शराब चुनाव में इस्तेमाल होने जा रही है। डंपर की चेकिंग की तो पता चला 576 पेटी अंग्रेजी शराब की थी, जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इसमें से दो नरेश सिंह और चंपत सिंह तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं। लुधियाना के पंजाब के रहने वाले हैं। यह मालिक के आदेश पर शराब को डिलीवरी करने का काम करते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि शराब लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर इसको रोका गया तो इसमें बड़ा शराब का जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में लगी है। किस प्रत्याशी की यह शराब थी और कहाँ जा रही थी, वह इस मामले में एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि देर रात कोतवाली नगर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पर तत्काल चेकिंग की गई, उसमें 576 पेटी अंग्रेजी शराब की पकड़ी गई, जो हरियाणा से लेकर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने थी। फिलहाल दो आरोपियों को भी डंपर के साथ गिरफ्तार किया है और ये जांच की जा रही है। वही आरोपियों ने बताया कि यह शराब पानीपत से बिहार के पटना जा रही थी। चुनाव के लिए जा रही थी? किसके लिए जा रही थी? चुनाव के लिए। चुनाव के लिए जा रही थी। कहाँ पकड़े आप? हम यही बुलंदशहर बाईपास पे। अच्छा, किस नेता के लिए जा रही थी पटना में? किस कोई ये नहीं मालूम किस में थे तुम? ये नहीं मालूम किस नेता के। किस नरेंद्र सिंह? नरेंद्र कहाँ ले जा रहे थे सर आप? पटना। अच्छा, पटना जा रही थी? किसके उसमें जा रही थी, कहाँ जा रही थी सर? पटना जा रही थी, पानीपत से। आज प्रातः एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के परिणाम स्वरूप एक डंफर जिसमें करीब 578 पेटी विदेशी शराब बल्लियों से ढक करके ले जाई जा रही थी बरामद किया गया है। ओपन मार्केट में इसकी कीमत करीब 52 लाख रुपए है और ये बुलंदशहर के आसपास के जनपदों में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। ये शराब हरियाणा की में निर्मित थी और हरियाणा में ही बेची जा सकती थी, क्योंकि कीमत कम होने के कारण वहाँ से यहाँ पे शराब लाई जा रही थी और इसकी खपत यहाँ आसपास के क्षेत्र में करने की जा रही थी, की जानी थी। इससे करीब करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि उत्तर प्रदेश सरकार की होती है जब यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बेची जाती है। ये बात इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए ये पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है।